हेलो गाइस, क्या आप लोग जानते हैं मच्छर सुनहरे बाल, इत्र की खुशबू और जो चमकीले रंग होते हैं जैसे लाल हरा पीला, इनसे कुछ ज्यादा ही आकर्षित होते हैं। और आप लोग बीबीसी इस वाले चैनल को तो जानते ही होंगे, एक इंटरनेशनल न्यूज का चैनल है। तो 1930 के टाइम पर इनके पास में कोई न्यूज नहीं थी सुनाने के लिए, तो इन्होंने अपने चैनल पर पूरे दिन पियानो का म्यूजिक बजाया था। और गाइस, क्या आप लोग जानते हैं व्हाट्सएप पर जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट्स में फाइल या फोटो सेंड करते हैं तो ये जो नंबर्स लिखे हुए आते हैं, ये नंबर्स क्यों लिखे आते हैं, किस काम के हैं ये? और आप लोगों ने इस फेमस बच्चे को तो जरूर देखा होगा बहुत बार इंस्टाग्राम के मीम्स में या फिर यूट्यूब में। और अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि ये बच्चा नहीं है, ये करीबन 38 साल का है, 38 ईयर्स का। तो गाइस, आप इस वीडियो के एंड तक कुछ ऐसे ही नॉन स्टॉप अमेजिंग रेंडम फैक्ट्स जानने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर कर दीजिए कुछ ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो का करते हैं शुभारंभ। फैक्ट नंबर 1, तो क्या आप लोग जानते हैं वीणा जो आप सरस्वती माता के हाथ में देखते हैं उसकी शुरुआत इंडिया से ही हुई थी? और क्या आप लोग जानते हैं वीणा बनाने के लिए कटहल पेड़ की एक ही लकड़ी का यूज किया जाता है, पूरा वीणा एक ही लकड़ी से बनाया जाता है? और इंडिया की जो सबसे फेमस वीणा बनाने वाली कंपनी है उसका नाम है बोबलीन, और इनके वीणा में आपको शेर का मुंह नीचे की तरफ झुका हुआ देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 2, 2019 के टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक रिसर्च की थी जिसके मुताबिक एक एवरेज इंसान इंडिया में करीबन 552 मिनट सोता है, मतलब कि 9.2 आवर्स। और इस रिसर्च के चलते करीबन 1,38,799 लोगों पर नजर रखी गई थी। और आप लोग कितनी देर सोते हैं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, दुबई में एक फाउंटेन बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है पाम फाउंटेन। और गाइज, ये दुनिया का सबसे ऊंचा फाउंटेन होने वाला है जो कि 22 अक्टूबर को शुरू किया जाएगा। और इसके बारे में कहा जा रहा है इसमें करीबन 3,000 से ज्यादा लाइट लगाए गए हैं और ये करीबन 105 मीटर तक पानी उड़ाएगा हवा में। फैक्ट नंबर 4, क्या आप लोग जानते हैं रोल्स रॉयस ने दुनिया का पहला पूरी तरह इलेक्ट्रिक प्लेन बना लिया है और इसको सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया गया है। फैक्ट नंबर 5, न्यूरोसिस्टिको अकोसिस, ये एक बीमारी होती है जिसमें टेप वर्म नाम का एक लार्वा किसी भी तरीके से खाने के या पीने के तरीके से आपके शरीर में चला जाता है और वो फिर आपकी बॉडी में जाकर अंडे देता है। और इसी तरीके का एक मामला अमेरिका से निकल कर आया है जिसमें उस लड़की के दिमाग में इस टेप वर्म ने अंडे दिए थे। फैक्ट नंबर 6, आप इन्हें तो जानते ही होंगे, इनका नाम है अरशद खान। और इनको अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप कहाँ रहते हैं यार, ये पाकिस्तान के एक चाय वाले हैं जिनकी ये वाली फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी इनकी नीली आंखों की वजह से, जिसके कारण ये रातों रात एक मॉडल बन गए थे। और आज के टाइम पर इनके पास में इस्लामाबाद में खुद का कैफे है और इसी के साथ में ये एक टेलीविजन शो में भी काम कर रहे हैं। इसका मतलब है ये पाकिस्तान की प्रिया प्रकाश वॉरियर है। फैक्ट नंबर 7, गाइस, मिलियम मेलिसा ब्लैक से इन्होंने 2019 के टाइम पर इनकी एक फोटो शेयर की सोशल मीडिया साइट्स पर और इनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया इनकी शक्ल की वजह से। तो इन्होंने अपने ट्रोलर्स को और ज्यादा चिढ़ाने के लिए एक साल तक लगातार हर रोज एक सेल्फी पोस्ट की सोशल मीडिया पर और लोगों को बता दिया मेरा शरीर मेरी मर्जी, मेरे को तुमसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट नंबर 8, आप लोग जो बर्ड देख रहे हैं इसका नाम है जेकाना और ये बर्ड जाना जाता है अपने बच्चों को अपने पंख में दबाकर चलने के लिए, मतलब ये अपने बच्चों को कैरी करता है अपने पंखों में दबाकर। फैक्ट नंबर 9, आप लोग इन्हें तो जानते ही हैं लेकिन इनका नाम नहीं जानते होंगे, इनका नाम है ओसिता इमेही और ये नाइजीरिया के सुपरस्टार है, आजकल इंडिया में भी मीम्स के जरिए बहुत ज्यादा छाए हुए हैं। और ये कोई बच्चे नहीं है, इन्हें एक बीमारी है जिसके चलते ये 38 साल के हैं लेकिन बच्चे की तरह दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 10, आप लोग इस फोटो को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये उल्टा माजना क्या चल रहा है मजनू भाई की तरह, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस घोड़े को एक सांप काट खाया था जिसके बाद इससे चलने की नहीं बन रही थी, तो इसका मालिक इसे कंधे पर उठाकर लेकर आया करीबन 3 माइल्स तक और इसके बाद इस घोड़े की जान बच गई थी। फैक्ट नंबर 11, एक वीडियो निकल कर आया था वियतनाम से कुछ टाइम पहले जिसमें दिखाई देता है एक इंसान ने अपने घर के बाहर जो फेंस आती है उसमें आईफोन लगा रखे हैं। और जब इस वीडियो की पूरी तरह जांच की गई तब पता चला कि ये असली आईफोन है और इस दीवार में करीबन 107 से ज्यादा आईफोन लगे हुए हैं और इन सभी की कीमत $11,000 होती है।
फैक्ट नंबर 12, क्या आप लोग जानते हैं वैज्ञानिकों ने 2012-13 के टाइम पर कुछ ऐसे माइक्रो पार्टिकल्स की खोज की थी जिसके अंदर ऑक्सीजन भरी होती है और इनके इंजेक्शन लगाने के बाद में आप पानी में कितनी भी देर रह सकते हैं, आपको सांस लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप लोग ऐसे इंजेक्शन लगवाना चाहेंगे? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 13, आप लोग जानते ही हैं COVID-19 का टेस्ट किस तरीके से होता है, तो इसी तरीके से US में एक महिला का COVID-19 का टेस्ट किया गया और इस कारण से उस महिला के दिमाग में एक ठोकर सी लगी जिसके कारण उसका दिमाग का जितना भी तरल था वो नाक से बहकर बाहर आ गया। फैक्ट नंबर 14, आप लोग इसमें एक बहुत ही बेहतरीन इनोवेशन देख रहे हैं। एक इंसान ने अपने एप्पल एयरपोर्ट्स के बॉक्स को वायरलेस चार्जिंग में कन्वर्ट कर दिया है। फैक्ट नंबर 15, आप लोगों ने व्हाट्सएप पर जब भी किसी को डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी सेंड किया है तो आपके सामने ये नंबर्स लिखे हुए आते हैं, तो आखिर इन नंबर्स का मतलब क्या है? तो ये नंबर्स वो नंबर्स हैं, जब भी आप लोगों ने इस पिक्चर को क्लिक किया होगा या फिर इस डॉक्यूमेंट को क्लिक किया होगा तो ये नंबर्स आपको उस दिन की डेट, मंथ, ईयर, मिनट, सेकेंड, घंटे सब कुछ बता देते हैं। तो जैसे मैंने ये फोटो 25 तारीख को खींचा था 8वें महीने की 2020 में 1:23:21 पर, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया। और ये वाला डेट वाला फंडा आपको मूवी टिकट्स पर या फिर रेलवे टिकट्स पर बहुत जगह देखने को मिल जाएगा।